Assalamualaikum। आज की हम लोगों की वीडियो का जो टॉपिक है वो इनिशियल टेस्ट पैटर्न हमने डिस्कस करना है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो कमीशन अनाउंस होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में, जो जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमने इनिशियल टेस्ट पैटर्न डिस्कस करना है। तो जिन बॉयज़ और गर्ल्स ने इस ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, तो ये रिमेंबर इस बात को याद रख लें कि इनके चार टेस्ट होंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंस होगा, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल शामिल होंगे। अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर होता है तो आपका सेकंड पोर्शन जो है फिजिक्स, वो ओपन होगा। अगर आपका इंटेलिजेंस फेल होता है तो आपकी स्क्रीन पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आएगा और आपका टेस्ट, आपका जो टेस्ट का सफ़र था यहाँ तक ही था। अच्छा, तो अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड पोर्शन जो आपका ओपन होगा वो फिजिक्स का होगा। ये फिजिक्स जो होगी FSC पार्ट वन और पार्ट टू की में से होगी आपकी। और जो लोग ये सेकंड पोर्शन फिजिक्स का क्लियर करेंगे तो वही थर्ड पोर्शन उनको ओपन, उनके लिए उनको नज़र आएगा, मतलब या उनके लिए एक्सेस होगी। अगर आप फिजिक्स फेल कर देते हैं तो आपका टेस्ट भी फेल हो जाएगा। इसका भी सेम पैटर्न है, आपकी स्क्रीन पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आपका टेस्ट फेल हुआ। थर्ड आपका जो होगा वो पोर्शन वो मैथ्स का होगा। ये FSC पार्ट वन और पार्ट टू से में से होगा। सेकेंड पोर्शन क्लियर जैसे आपने किया, इसी तरह थर्ड पोर्शन आपके लिए भी क्लियर करना मस्ट होगा। जब आप थर्ड पोर्शन क्लियर कर लेंगे तो ही आपका फोर्थ ऑप्शन ओपन होगा। थर्ड ऑप्शन जो है, पोर्शन जो है, उसमें भी सेम यही है कि अगर आप फेल करेंगे तो आपके स्क्रीन पे बे बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ आएगा। अगर आप पास होगा तो आपको अगला जो सेक्शन है इंग्लिश, उसमें प्रोसीड टू नेक्स्ट करने को कहा जाएगा। जो इंग्लिश पोर्शन है इसमें बेसिक ग्रामर और सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन होंगे। मैथ्स पोर्शन की तरह ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लास्ट पोर्शन है। इसको टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका टेस्ट जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का वो क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पोर्शन क्लियर करने के बाद आप लोगों का फर्दर जो प्रोसेस है इनिशियल मेडिकल और इंटरव्यू वो कंटिन्यू होंगे। और सो आफ्टर इंग्लिश आपका टेस्ट, अगर आपका टेस्ट कम्प्लीट हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। सो पैटर्न अगर हम डिस्कस करें तो पैटर्न जो इंटेलिजेंस पोर्शन जो इसमें आता है उस पर 100 क्वेश्चन है और टाइम 35 मिनट्स, देन फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, टाइम 25 मिनट्स, मैथमेटिक्स के जो होंगे वो भी 50 क्वेश्चंस होंगे और टाइम इनका 25 मिनट्स होगा, देन ये लास्ट पोर्शन इंग्लिश का 75 क्वेश्चंस, टाइम इनके 40 मिनट्स। और ये कंपलसरी है कि ईच पोर्शन जो है वो इनिशियल टेस्ट का क्लियर करें। तमाम पोर्शन जो है वो सेपरेटली आपकी तरह आपको ओपन होंगे, कट कलेक्टिवली नहीं। सो रिमेंबर दैट कि आप लोगों ने ये जो तमाम पोर्शन है ये अगर क्लियर किए हों तभी आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मीन टू से अगर आप इन शॉर्ट इनको देखें तो ये एक लेवल वाइज है। लेवल वन आपका इंटेलिजेंस का है, लेवल टू आपका फिजिक्स है, लेवल थ्री आपका मैथ्स है, लेवल फोर आपका इंग्लिश है। अगर आप लेवल वन क्रॉस कर लेते हैं तो लेवल टू पे आएंगे, लेवल टू क्रॉस करेंगे तो थ्री पे आएंगे, थ्री क्रॉस करेंगे तो फोर पे आएंगे और फोर क्रॉस करेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।